करते हैं मेरी तरह अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में 1plus5 का लोग, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें और वही वो स्टेप्स करें जैसे जैसे मैंने करे हैं, ताकि आप पा सकें इसका पूरा फील और लुक। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको मैं लेके आऊँगा ऑन स्क्रीन, मैं आपको ले चुका हूँ ऑन स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं 1plus5T का लुक, तो आपको करने होंगे 2-3 ऐप्स इंस्टॉल। मैं आपको आपके लिंक जो भी है मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे सारे मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ होती है वो होता है किसी भी फोन का लॉन्चर। तो अगर आप नोवा लॉन्चर यूज़ कर रहे हैं तो आपको आप उस नोवा लॉन्चर को ओपन करिए, और जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैंने दे दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाकर आगे आप चेकआउट कर सकते हैं। वो एक अनलॉक नोवा लॉन्चर है जिसमें प्रो प्राइमरी फीचर्स अनलॉक है बिना पेड बिना खरीदे हुए, तो आप वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइव का लिंक है वो, और जो चाहते हैं नहीं करना वो गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे वहाँ से तो आपको कोई चारा नहीं है, फिर आपको खरीदना पड़ेगा। अगर आप मेरे लिंक से डाउनलोड करेंगे तो आपको फ्री में मिल जाएगा। तो ये था हमारा पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको चाहिए दूसरा ऐप जिसका नाम है बस विजेट। मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाता हूँ, नोवा लॉन्चर के बाद हम आपको सर्च करके दिखाते हैं बस विजेट। जे रहा बस विजेट, मैंने सर्च कर रखा है। तो यहाँ पे आपको जाना होगा बस विजेट पे, आपको डाउनलोड करना होगा इस बस विजेट को, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैंने कर रखा है, मैं दोबारा नहीं करूँगा। तो इसके बाद आपको करना होगा फिंगरप्रिंट क्विक एक्शन, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। और जो तीसरी मेन चीज़ होती है उसका वॉलपेपर, जैसे आप देख सकते हो ये 1plus5T का ही वॉलपेपर है जो मैंने अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में फिक्स कर रखा है, मतलब लगा रखा है। तो अगर इसका लिंक मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, ड्राइव का लिंक है, वहाँ से आपको इस वॉलपेपर को आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आपके 13 काम हो जाए तो आप नोवा लॉन्चर ओपन करिए, वहाँ पर जाके आपको लिखा है वेलकम टू नोवा, वहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपको लाइट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको इमर्सिव पे क्लिक करना होगा, और यहाँ पे आपको स्वाइप अप पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको अप्लाई पे क्लिक करना होगा, तब आपका जो नोवा लॉन्चर है बंद हो जाएगा। आपको दोबारा नोवा लॉन्चर ओपन करेंगे तो आपके सामने ये वाली स्क्रीन आएगी, जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन आ रही है आपके सामने। और फ्रेंड्स, अगर आप मतलब नोवा लॉन्चर पहले यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ से बैकअप बना के अपने सेटअप का उसको रीसेट टू डिफॉल्ट कर देना है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। आपको जाना होगा सेटिंग्स में, अब जाके आपको क्लिक करना होगा यहाँ बैकअप एंड इंपोर्ट सेटिंग, आपको यहाँ से अपना बैकअप बनाना होगा, और उसके बाद आपको रीसेट टू डिफॉल्ट्स कर देना होगा। यहाँ पे जाके आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो जैसे आपकी और स्क्रीन दोबारा खुल जाएगी। तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ अभी फिलहाल के लिए, यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। तो हम आ गए हैं नोवा लॉन्चर पे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते होंगे यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, पर आपको करना ये है जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं एप्लीकेशन से सबको रिमूव कर देना है। यहाँ पे मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। अब ये जो गूगल का फोल्डर है इसे रिमूव ना करें, बाकी सब चीज़ों को रिमूव कर दें, और यहाँ से भी चीज़ें हटा दें, कॉन्टैक्ट्स हटा दें, प्ले स्टोर हटा दें, गूगल हटा दें, जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है सबको रिमूव कर दीजिए, और क्रोम को बीच में ले आइए, और कैमरे को रिमूव कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, और अगर आपके पास मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आप चाहते हैं स्लाइड में यहाँ पे गूगल नाउ आए का पेज आए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल नाउ इरिगेशन फॉर नोवा, मैंने उसका लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, जहाँ जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ताकि आपके यहाँ पर साइड में आए नोवा का नोवा इरिगेशन में से गूगल नाउ का पेज, जैसे बाकी स्टॉक फोन्स में आता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास नेविगेशन बार जैसे हमारे एंड्रॉइड स्मार्टफोन में है, यहाँ पर नीचे नेविगेशन बार्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके आपके फ़ोन में है तो आपको लगेगा कि फुल 1plus5T है, अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आपका रूट है तो आप उसको इनेबल करके 1plus5T का लुक दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने वॉलपेपर सेट कर रखा है, इसलिए मैं नहीं करूँगा, यही है उसका वॉलपेपर। सब अगली बात, आपको जाना होगा इसकी नोवा लॉन्चर की सेटिंग्स में, यहाँ पे जाके सेटिंग्स, आपको यहाँ पे पहले लॉन्चर को डिफ़ॉल्ट एज सेट करना होगा, जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट एज डिफ़ॉल्ट नोवा लॉन्चर, यहाँ उसका सेट डिफ़ॉल्ट। अब आपको जाना होगा डेस्कटॉप में, वहाँ जाके आपको डेस्कटॉप ग्रिड में जाके इसको 5x5 कर देना होगा, ऐसे इसको ऐसे। अब यहाँ से जाकर इसको 5x5 करके डन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जाना होगा विजेट पेंडिंग में, इसको आपको करना होगा मीडियम, फिर आपको जाना होगा सर्च बार स्टाइल में, वहाँ जाके आपको सिलेक्ट करना होगा यही जो हुआ पड़ा है, फिर आपको यहाँ पे ये वाला जो लोगो है ये सिलेक्ट करना होगा। तो जब ये हो जाएगा आपको बैक जाना होगा, उसके बाद आपको नीचे जाना होगा, और यहाँ पेज इंडिकेटर अगर आपने कोई और सिलेक्ट कर रखा है तो इसको ये वाला कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमें करना था डेस्कटॉप का काम, अब चलते हैं हमें ऐप एंड ड्रॉअर विजेट्स में। सॉरी फ्रेंड, मैं एक चीज़ भूल गया, आपको डेस्कटॉप में जाके आइकन लेआउट में जाके इसका जो साइज़ है आपको कर देना होगा 115%, 115 हो गया है 115। उसके बाद आपको जाना होगा बैक ऐप एंड डेस्कटॉप ग्रेड विजेट ड्रॉअर में जाना होगा, आपको ड्रॉअर ऐप ग्रेड को करना होगा 5x5,
जैसे यहाँ पर कर दिया है, फिर आपको डन पे जाना होगा। डन होने के बाद आपको जाना होगा आइकन लेआउट में, वहाँ जाके भी आपको इसका साइज़ कर देना होगा 115। जब का ये सब हो जाएगा तो आपको यहाँ से फ्रिक्वेंटली यूज ऐप्स को ऑफ कर देना होगा। उसके बाद आपको जाना होगा यहाँ वर्टिकल स्टाइल में, कुछ नहीं करना क्योंकि हमें यह ठीक है। अब यहाँ होगा आपको बैकग्राउंड में, वहाँ जाके आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देनी होगी 5%। ओके फ्रेंड्स, तो 5% होने के बाद आपको जाना होगा नीचे, वहाँ पे जाके आपको कुछ नहीं करना होगा। और आपको बता दूँ अगर आपको जो ऐप पसंद नहीं है उसको हाइड कर सकते हैं, जैसे मेरे को थोड़े बहुत पसंद नहीं तो मैं उसको हाइड कर दूंगा यहाँ से और कुछ नहीं। फिर आपको यहाँ पे आपका यहाँ पे काम खत्म। आपको जाना होगा डॉक में, आपको जाना होगा डॉक बैकग्राउंड में, आपको डॉक बैकग्राउंड को डिसेबल कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि 1plus के फ़ोन में डॉक बैकग्राउंड डिसेबल क्यों है, क्योंकि 1plus 5T का जो लॉन्चर है उसमें उन्होंने डॉक बैकग्राउंड को डिसेबल कर दिया है, क्योंकि 1plus 5 में डॉक बैकग्राउंड था। तो उसके बाद आपको जाना होगा आइकन लेआउट में, वहाँ जाके आपको साइज़ बढ़ा के इसका कर देना होगा 115, जैसे मैंने उसमें किया था। तो फ्रेंड्स, ये आपको 115 कर देना होगा यहाँ से। उसके बाद आपको बैक जाना होगा और आपको जाना होगा फोल्डर्स में। फोल्डर्स में जाने के बाद आपको लाइन की जगह इसमें ग्रिड कर देना होगा। ग्रिड होने के बाद आपको यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सॉरी गलती से खुल गया। आपको यहाँ पे सर्कल की जगह पिक्सल लॉन्चर को सिलेक्ट कर लेना होगा। फ्रेंड्स, जब ये हो जाएगा आपको जाना होगा आइकन लेआउट में, सॉरी आपको जाना होगा आइकन लेआउट में, वहाँ जाके आपको इसका साइज़ बढ़ा के कर देना होगा 115। तो फ्रेंड्स, ऐसे होने के बाद आपको जाना होगा यहाँ पे लुक एंड फील में। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूँ कि जो मेन चीज़ है इस लॉन्चर की वो है इसके आइकन पैक्स, और मैंने लिया है आपको लिंक जो दिया है डिस्क्रिप्शन में, अब वहाँ जाएँ। और मैंने आपको ड्राइव का एक आइकन्स का लिंक दिया है, आप उस आइकन्स को मतलब एक्सट्रैक्ट करिए उस फोल्डर को, ताकि आपके पास आइकन्स आ जाएंगे आपकी गैलरी में। फिर आपको एक एक करके सिलेक्ट करना होगा उसके आइकन्स का, जैसे जैसे आपकी गैलरी है तो आपको गैलरी में जाके वहाँ पे मतलब सिलेक्ट करना होगा। आपको एक दिखाता हूँ कि आपको एक चीज़ का दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। जैसे एल्बम्स में आ गए हमें, यहाँ पे जाना होगा एडिट में और आपको क्लिक करना होगा इस पर और गैलरी ऐप्स। फिर आपको यहाँ पे गैलरी में जाने के बाद नीचे जाके नीचे जाना होगा, जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन OS आइकन्स, आपको ऐसा फोल्डर मिलेगा। आपको जाके उसकी गैलरी को जैसे सिलेक्ट करा है मैंने, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको डन कर देना होगा फ्रेंड्स। फिर आपको यहाँ पे डन करेंगे तो आपका ये ठीक हो जाएगा। तो आपको ऐसा करना होगा तब भी आप मतलब ठीक से लुक पा पाएंगे। तो एल्बम्स आपको ये करना होगा, वो भी आपको सिलेक्ट करना होगा, और मतलब ऐसे आपको सारे ऐप्स लगाने पड़ेंगे। और एक और बात, आपको एक और आइकन पैक डाउनलोड करना पड़ेगा, उसका नाम है मूनशाइन आइकन पैक, वो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा मून शाइन आइकन पैक ऑन लाइट नाइन। मून शाइन आइकन पैक को आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे, मैंने कर रखा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। तो जब ये डाउनलोड हो जाएगा आपको जाना होगा, आपको बस एक चीज़ के लिए चाहिए ये फ़ोन के लिए, क्योंकि जिसका फ़ोन है वो मून शाइन आइकन पैक से मैच होता है और कई आइकन भी मैच होते हैं। आपको अप्लाई करना होगा मून शाइन आइकन पैक को, और जैसे मैंने आपको बताया 1plus की तरह आपको हर एक उस पर जाके मतलब सेलेक्ट करना होगा अपना एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, ये सब होने के बाद आपको करना होगा ये कि आपको इसको रिसाइज करके फुल यहाँ पे करना होगा इस तरह से। और आपको फ्रेंड्स यहाँ पे लाना होगा प्ले स्टोर, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे प्ले स्टोर को ला के आपको यहाँ लाना होगा। और आपको यहाँ पे अपने मनपसंद ऐप्स लगा सकते हैं, जो मैं अपने लगाऊंगा वो मैंने बैकअप एक बना रखा है, मैं उसे अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल नाउ कंपेनियन इरीगेशन वाला है, अब यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ, यहाँ पे बैकअप इंपोर्ट सेटिंग में जाना है हमने, और हम बैटरी स्टोर करते हैं और ओरिजिनल बैकअप। ओके, तो फ्रेंड्स अब ये हो गया बंद, क्योंकि बैकअप लेने के बाद नोवा लॉन्चर जो होता है बंद हो जाता है, हम दोबारा ओपन करेंगे। तो मैं इसको बस यहाँ पे सेटअप करना होगा और कुछ नहीं, यहाँ पे हम सेटअप करते हैं इसको। तो एक मिनट फ्रेंड्स, मैं इसको सेटअप कर देता हूँ। तो मैं इसको दोबारा रिमूव करके दोबारा लगाना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी सी गड़बड़ आ रही है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक गुप्त बात बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि ये जो विजेट है जो 1plus 5 का नया आया है, ये अभी तक किसी इंटरनेट साइट पे या फिर कहीं भी नहीं आया है। तो जो मैंने ये विजेट है ये मैंने खुद बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये विजेट भी मिले, मैं आपको दिखाता हूँ विजेट कैसा दिखता है। अच्छा, मैं लेना होगा ये वाला, यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इसको, ये हो रहा है लोड। फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि आपको कैसे करना है।
तो आ गया है ये, आपको इसको रिसाइज कर देना होगा यहाँ पे ताकि अच्छा देखिए। तो अब देख सकते हैं आ गया हमारे पास 1+5T का लुक फिर से। तो फ्रेंड्स इस तरह आप पा सकते हैं 1+5T का लुक। और मैं आपको बताता हूँ विजेट की कहानी, क्योंकि ये विजेट हमें नहीं मिलने वाला है किसी भी सुपर विजेट या फिर किसी भी एक्सपर्ट विजेट में, आपको डाउनलोड करना होगा बस विजेट में, आपको बताया था। तो बस विजेट जब आप खोलेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये जो विजेट है, अगर आप सोच रहे हैं कि ये मैंने डाउनलोड किया है कोई है इसकी एक्सेसरीज, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको बस विजेट में ये नहीं मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं इस विजेट को पाना तो आपको क्लिक करना होगा ऐड न्यू विजेट पे यहाँ पे जाके, और यहाँ पे जाके आपको ऐड पे क्लिक करना होगा, वहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, और आपको नीचे जाना होगा डेट पे, और डेट पैनल पे क्लिक करके ओके कर देना होगा। तो फ्रेंड्स जब आप कर देंगे तो आपको मिलेगा प्लीज़ टाइप द टेक्स्ट, आपको यहाँ पे टेक्स्ट पे लाके इस पे लिखना होगा नेवर सेटल, जैसे मैंने वो बना रखा है नेवर लिखना होगा। फिर आप एक बार और ऐड करेंगे टेक्स्ट, आपको वहाँ पे लिखना होगा सेटल, और इसको आपको यहाँ पे लाना होगा ऊपर, तब आपका बन जाएगा नेवर सेटल की तरह, जैसे मैंने ये वाला बना रखा है। मैं आपको ये दिखाता हूँ एडिट विजेट, देख सकते हैं मैंने खुद बनाया है ऐसे ही, मैंने ऐड करके आपको नेवर सेटल का बना कर दिखा दिया है। अगर मेरे पास चारा हो तो मैं आपको इसका लिंक देता ड्राइव का, ताकि आप इसे डाउनलोड करके सेट कर सकते हैं, पर मेरे पास ऐसा कोई चारा नहीं है, तो आपको ये खुद बनाना पड़ेगा, और आप फ्रेंड्स इसे सेट कर सकते हैं नेवर सेटल के लुक की तरह। तो फ्रेंड्स यही थी आज की कहानी, और कहानी में आपको बता दिया है कि आप 1+5T का लुक कैसे पा सकते हैं किसी भी अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में, अगर आपके पास है ऑन स्क्रीन नैप बार्स। अगर आपका फ़ोन है इन्फिनिट डिस्प्ले तो बहुत ज़्यादा बेटर लगेगा उससे, क्योंकि मेरा वीवो V7+ है, तो मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है जिसका आ रहा है इन्फिनिट डिस्प्ले। तो फ्रेंड्स ये था हमारी आज की कहानी, तो कहानी का अंत करते हैं। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, और अगर आपने इस वीडियो को आपको वीडियो पसंद आई और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अब हम आपके लिए ऐसी टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियोज़ लाते रहें, और इसका नाम पड़ गया टाइम टेक्निकल, ताकि हम आपके लाएँ टाइम टू टाइम टेक्नोलॉजी बेस्ड वीडियोज़। तो फ्रेंड्स और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया, आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो आपके पास सबसे पहले पता चलता रहे। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।